हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर स्टैटिक्स एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 5 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को क्या कह रहा है। इन रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज कैप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। दीज बॉक्स कंटेन वेयरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्स। देखिए हम लोग का यहाँ पे क्या एक मार्केट है ना, जहाँ पे फ्रूट्स क्या होता है बेचा जाता है। अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या कर रहा है, बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर क्या रखा है, मैंगोज है ना। तो हर बॉक्स में अलग अलग क्या है, मतलब किसी में 10 मैंगो, किसी में 12 मैंगो, इस टाइप से रखा हुआ है ना बॉक्स में। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज है, और हम लोग को टेबल में क्या दिया, नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया था। तो 15 बॉक्स में 50 से 52 के बीच में क्या है, मैंगो है उस बॉक्स में। और 110 बॉक्स में कितना मैंगोज है, 53 से 55 मैंगोज है। और नंबर फिर से 135 बॉक्स में 56 से 58 मैंगोज है। इसी प्रकार से आगे है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं, हम लोग को फाइंड क्या करना है, नंबर मीन नंबर ऑफ मैंगोज हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें भी हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्टेप डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, हम लोग का नंबर ऑफ मैंगोज हम लोग यहाँ पे टेबल में हम लोगों ने फिर से बना लिया है, और नंबर ऑफ बॉक्स भी लिख लिया, एक्स आई लिख लिया, यू आई लिख लिया, और एफ आई यू आई लिख लिया। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं ना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स आई कैसे निकालेंगे ना, चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्स आई कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और टू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग जोड़ देते 50 प्लस 52 और डिवाइड बाय 2, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का एक्स आई निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 2 कैंसिल करते हैं, 2 1 2 2 5 10 और कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2 2 5 10 और 2 1 2 कितना आ गया, 51 आ गया। एक्स आई हम लोग का कितना आ गया, 51। अब इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का, फिर से इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 54। फिर से इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 57। फिर से इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 60। फिर से इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 63 आ जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, यू आई कैसे निकालेंगे, यू आई देखिए यहाँ पे समझिए ना, यू आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई देखिए सबसे पहले हम लोग को ए चाहिए, ए क्या चाहिए, ए। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा जाता है ना। देखिए ए किसको मानेंगे, बीच वाला को ए हम लोग इसको मान लिए, 57 को हम लोग क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। अब देखिए एच, एच यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे, एच यहाँ पे निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए यहाँ पे देखिए एच 50 से 52 है, फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 53 से, और इससे पहले हम लोग जितना भी बनाए थे उसमें कैसे हो रहा था स्टार्ट, 50 से 52 गया, तो फिर यहाँ पे भी क्या कितना होता, 52 होता था। लेकिन अभी इस बार नहीं, जैसे हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया, देखिए यहाँ पे देखिए 65 था, उसके बाद 68 था, फिर 68 से ही शुरू हुआ था ना, उसके बाद 71, फिर 71 से स्टार्ट हुआ था। इससे पहले हम लोग ने और क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, वो देखिए 100 से स्टार्ट हुआ था 120 तक, 120 से स्टार्ट हुआ 140 तक। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, 50 से गया है 52 तक, और अभी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 53 से 55 तक, फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 56 से 58 तक। तो हम लोग इसमें कैसे करेंगे, इसमें हम लोग एच इन दोनों का बीच का डिफरेंस नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे ना, 53 और 50 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3। तो हम लोग एच क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर देखिए 56 का और 53 का डिफरेंस कितना है, 3। तो हम लोग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। इस प्रकार से होता है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। एच हम लोग का कितना हो जाएगा, एच हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे बता देता हूँ, 53 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए हम लोग यू आई कैसे निकालेंगे, यू आई यहाँ पे देखिए समझिए, एक्स आई कितना हो जाएगा, 51 माइनस ए कितना हो जाएगा, 57 अपॉन में एच कितना आया, 3। मैंने बताया कैसे निकालना है। आप देखिए माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -6 अपॉन में 3, ये बड़ा इसके पहले माइनस, इसलिए माइनस आ जाएगा, 3 1 3 3 2 6 कितना आ गया, -2। तो यहाँ पर लिख देंगे -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर ऐसे ही आप पुट करिए, एक्स आई के प्लेस में 54 माइनस ए के प्लेस में 57, एच कितना हो जाएगा, 3। इनको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -1 0 1 और 2 आ जाएगा। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 50, ये हम लोग का क्या एफ आई है ना, इसी को हम लोग फ्रिक्वेंसी कहते हैं, और ये हम लोग का यू आई है। अब चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को तो कितना आ जाएगा, -30,
110 को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 110, जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे 130 से तो जीरो, 115 को मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो कितना आ जाएगा 115, और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो कितना आ जाएगा हम लोग का 50 आ जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्या निकाला, हम लोग को समीशन निकालना है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, समीशन एफ आई कितना आ जाएगा, हम लोग का इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 400 हो जाएगा, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधा माइनस में और आधा प्लस में, सबको हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग, क्योंकि माइनस 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 आता तो माइनस लिख के जोड़ देते, कितना हो जाएगा 140, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 165। जब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे प्लस में माइनस में तो माइनस करेंगे कितना आएगा हम लोग का, समीशन एफ आई यू आई हम लोग का कितना आ जाएगा, हम लोग का 25 आ जाएगा। अब चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, हम लोग फार्मूला डाल देंगे, चलिए ना यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग को क्या क्या गिवन है, जो जो गिवन है हम लोग उसको लिख लेते हैं ना। हम लोग का ए हम लोग का कितना था, हम लोग का हम लोग ने निकाला उसको लिख लेते ना, ए हम लोग का कितना था 57 था। हम लोग का समीशन एफ आई यू आई कितना है हम लोग का 25 है। समीशन एफ आई हम लोग का कितना हम लोग का है 400 था, और हम लोग का एच कितना है, एच है 3। हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं मीन ना, हम लोग का क्या क्या हो जाएगा, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में क्या हो जाएगा, समीशन एफ आई इंटू एच हो जाएगा। अब देखिए ए कितना दिया हम लोग का, ए हम लोग का दिया है 57 प्लस एफ आई समीशन एफ आई यू आई कितना हो जाएगा 25 अपॉन में कितना आ जाएगा हम लोग का 400, क्योंकि हम लोग का समीशन एफ आई कितना दिया 400 इंटू एच कितना है 3। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे 57 प्लस देखिए कैंसिल हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये कितने टाइम्स में कटेगा 25 के, तो ये हो जाएगा 16 टाइम में ना, 16 टाइम में पूरा पूरा कट जाएगा। अब चलिए हम लोग कितना बचेगा 1/16 और यहाँ पे इंटू ऊपर में इंटू में 3। अब चलिए सॉल्व करेंगे 57 प्लस क्या हो जाएगा 3 × 3 और ये हो जाएगा 16 ना अपॉन में। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे 57 प्लस डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 0.187 और क्या आ जाएगा हम लोग का इतना आ जाएगा, ठीक है इतना ही लेते हैं हम लोग। अब चलिए इन दोनों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना है, पॉइंट के बाद हो सकता है कोई एक डिजिट हो लेकिन हम लोग इतना ही ले रहे हैं ना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, जोड़ेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए ना 0.187 ना, तो क्या 57.000 जोड़ देंगे कितना आएगा 781.7 कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे लिख देते हैं 57.187। देखिए आपका इतना भी आंसर आप हो सकता है किसी के बुक में, या तो देखिए पॉइंट के बाद तीन, देखिए तीन नंबर तो जाते देखिए कितना है 5 से बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो आप इसको आंसर में लिख दीजिए या तो आप क्या करिए 57 देखिए 7 है ना इक्वल टू इधर आ जाएगा, देखिए पॉइंट के बाद देखिए तीसरे नंबर में कितना 5 से बड़ा रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं 1 को इधर भेज देते हैं, 1 इधर भेज देते हैं तो इधर कितना आ जाएगा 19 हो जाएगा। हो सकता है आपके बुक में ये आंसर दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं रहता है तो हम लोग मैंने आपको बता दिया, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।